हाय फ्रेंड्स, गुड इवनिंग एवरीवन। आई एम मनीष दुआ और आज की क्लास में मैं आपको पढ़ाऊंगा एक बहुत ही इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट। मैंने अभी कुछ दिन पहले एक वीडियो अपलोड करी थी इनकम कंजम्पशन कर्व के ऊपर। आज मैं इनकम कंजम्पशन कर्व से आपको एंजल कर्व का डेरिवेशन सिखाऊंगा। एंजल कर्व क्या होता है, एंजल कर्व कैसे डिराइव करते हैं और इसका अलग अलग कमोडिटीज का एंजल कर्व कैसा होता है, ये सारी बातें मैं आपको आज इस वीडियो में बताऊंगा। तो इस वीडियो को ध्यान से देखिए, समझिए ये कॉन्सेप्ट और इसको लाइक करिए, शेयर करिए, जितने भी दोस्त हैं उन सबको बताइए हमारे इस इकोनॉमिक शास्त्र चैनल के बारे में। और शुरू करने से पहले आपको एक छोटी सी जानकारी और दे देते हैं। ये जानकारी क्या है, देखिए आपको अनअकैडमी दे रहा है बम्पर ऑफर। बम्पर ऑफर में 24+3 मंथ्स का आपको बेनिफिट मिलता है, यानी कि अगर आप फाउंडेशन और इंटर के लिए 24 मंथ्स का सब्सक्रिप्शन चूज करते हो तो आपको 3 मंथ्स एक्स्ट्रा, सिर्फ 32,000 रुपीज। 32,000 रुपीज में भी आपको 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा अगर आप मेरा कोड यूज करते हैं। मेरा कोड है CS मनीष का, ये कोड है, आपको 10% का डिस्काउंट भी मिलेगा। तो फिर आपकी हो गई ना बल्ले बल्ले। तो इस बम्पर ऑफर के लिए बम्पर ताली तो बनती है। यस यस, कम ऑन यस। चलिए तो अब मैं आपको बताऊंगा एंजल कर्व क्या होता है। तो चलिए शुरू करते हैं एंजल कर्व का डिस्कशन। देखिए एंजल कर्व वॉज गिवन बाय द इकोनॉमिस्ट कॉल्ड अर्नेस्ट एंजल, गिवन बाय अर्नेस्ट एंजल। उनके नाम पर ही ये एंजल कर्व पड़ा। एंजल कर्व बेसिकली आर द इनकम डिमांड कर्व्स। यस, दीज आर बेसिकली एंजल कर्व आर इनकम डिमांड कर्व। इनकम डिमांड कर्व यानी कि इनकम के बदलने से डिमांड में किस तरीके का चेंज आता है, ये बात हम एंजल कर्व की मदद से या इनकम डिमांड कर्व की मदद से प्रिडिक्ट करते हैं। कैसे तो देखेंगे। मेरे पास यहां पर है सबसे पहले नॉर्मल गुड्स का केस। नॉर्मल गुड्स वो होते हैं जो जिसका इनकम इफेक्ट पॉजिटिव होता है, और यानी कि इनकम के बढ़ने पर इन गुड्स की डिमांड बढ़ जाती है। इनकम बढ़ेगी तो डिमांड भी बढ़ जाएगी, और इनकम घटेगी तो डिमांड भी घट जाएगी, यानी कि इनकम का इफेक्ट पॉजिटिव होता है। जब दोनों वेरिएबल एक ही डायरेक्शन में ऊपर जाएं या दोनों वेरिएबल एक ही डायरेक्शन में नीचे आएं तो हम उसको कहते हैं पॉजिटिव इफेक्ट। तो यहां पर इनकम इफेक्ट जो है वो पॉजिटिव होता है। यहां देखिए अब ध्यान से, ये मेरे पास बजट लाइन है और हमारा बजट लाइन ए बी इंडिफरेंस कर्व आईसी से टेंजेंट है, और इस पर्टिकुलर पॉइंट पर हम एक्स के ओएक्स यूनिट को खरीद रहे हैं। सपोज हुआ ये, इनकम बढ़ गई। अब इनकम बढ़ गई तो बजट लाइन बाहर चला गया, इस तरीके से पैरेलल बार की तरफ शिफ्ट हो गया, तो ये और भी हायर इंडिफरेंस कर्व आईसी वन से जाकर के टेंजेंट हो गया। नया इक्विलिब्रियम पॉइंट ई वन ये शो करता है कि इस पॉइंट पर कंज्यूमर एक्स के ओ एक्स वन यूनिट को खरीद रहा है। यस, फिर इनकम और बढ़ गई। जब इनकम बढ़ी तो बजट लाइन और भी ज्यादा बाहर चला गया। यस, तो हमारा बजट लाइन बाहर चला गया, पैरेलल बार की तरफ शिफ्ट हो गया। नया बजट लाइन और भी हायर इंडिफरेंस कर्व आईसी टू से ई टू पॉइंट पर जाकर के टेंजेंट हो गया, और इस पर्टिकुलर पॉइंट पर हम एक्स के ओ एक्स टू यूनिट को खरीद रहे हैं। हमने यहां पर ई ई वन और ई टू
को ज्वाइन कर दिया, हमारे पास आ गया इनकम कंजम्पशन कर्व। ये हमने लास्ट वीडियो में भी पढ़ा है, लेकिन अब इसकी मदद से हम डिराइव करेंगे अपना एंजल कर्व यानी कि इनकम डिमांड कर्व। अब देखिए, हम इसके वर्टिकली नीचे ही एंजल कर्व डिराइव करेंगे। और कैसे डिराइव करेंगे, आपके पास कमोडिटी से कमोडिटी मैच करिए, क्योंकि यहां पर क्या है, क्वांटिटी है, क्वांटिटी ऑफ कमोडिटी एक्स, और यहां पर कमोडिटी एक्स क्या है, एक नॉर्मल गुड है, नॉर्मल गुड है। तो एक्स की डिमांड पहले ओ एक्स थी, फिर बढ़ करके हो गई ओ एक्स वन, और फिर इनकम और बढ़ी तो बढ़ करके हो गई ओ एक्स टू। इनकम से सॉरी क्वांटिटी से क्वांटिटी को हमने मैच कर दिया, है ना। अच्छा, जब आप इस इक्विलिब्रियम पॉइंट पर थे तो आपकी इनकम कितनी थी, ओ ए, फिर इनकम बढ़कर हो गई ओ ए वन, और फिर इनकम और बढ़कर के हो गई ओ ए टू। यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर इनकम होता है और यहाँ पर कमोडिटी वाई भी होता है, दोनों चीजें होती है। तो अभी यहाँ पर इनकम कितनी है, ओ ए है। तो जब मैंने सारा का सारा पैसा ओ ए एक्स के ऊपर खर्चा, तो मैं एक्स के ओ बी यूनिट को खरीद पाऊंगा, और मैं सारा पैसा अगर वाई पर खर्चूंगा तो मैं वाई के ओ ए यूनिट्स को खरीदूंगा। इसका मतलब ये हुआ कि वाई का दाम वन रुपी है, इसीलिए जब मैं सारा पैसा वाई पर खर्चूंगा तो मैं वाई के ओ वाई यूनिट्स को खरीद पाऊंगा। गॉट इट। तो जब इनकम थी ओ ए तो हमने डिमांड कितना करा, से फॉर एग्जाम्पल हमने डिमांड करा ओ एक्स यूनिट। फिर जब हमारी इनकम बढ़ी, हमारा इक्विलिब्रियम पॉइंट कहाँ आ गया, ईवन पर आ गया। तो ईवन पर आ गया, तो जब इनकम बढ़ी हमारे प्रोडक्ट की डिमांड भी बढ़ गई। तो ये मेरा इक्विलिब्रियम पॉइंट ई टू, और ई टू इक्विलिब्रियम पॉइंट ये शो, सॉरी ईवन इक्विलिब्रियम पॉइंट ये शो करता है कि मैं एक्स के ओ एक्स वन यूनिट को खरीद रहा हूं जब इनकम है मेरी ओ ए वन। फिर इनकम और बढ़ गई, हम बढ़ करके आगे ओ ए टू पर, और डिमांड भी बढ़ गई, डिमांड बढ़ करके हो गई ओ एक्स टू। तो व्हेन द इनकम वाज ओ ए टू, द डिमांड वाज ओ एक्स टू, शोन बाय दिस कॉम्बिनेशन टी। मैंने आर एस टी को ज्वाइन कर दिया, मेरे पास आ गया एंजल कर्व। दिस इज द अपवर्ड स्लोपिंग एंजल कर्व, दिस इज द केस ऑफ नॉर्मल गुड्स। नॉर्मल गुड्स के केस में एंजल कर्व अपवर्ड स्लोपिंग होता है। यस, अच्छा, ये तो हो गया नॉर्मल गुड्स का केस। अगर हम बात करें इंफीरियर गुड्स की, तो आपको तो पता है इंफीरियर गुड्स के केस में जो इनकम इफेक्ट होता है वो नेगेटिव होता है। तो क्या, किस तरीके से इंफीरियर गुड बिहेव करता है, मैं अब आपको इंफीरियर गुड का केस बताता हूं। तो ये मेरे पास इंफीरियर गुड्स है। और इंफीरियर गुड्स का सबसे पहले हम क्या बनाएंगे, हम बनाएंगे इनकम कंजम्पशन कर्व। तो हम पहले तीन बजट लाइन खींच लेते हैं, हमने ये तीन बजट लाइन को खींच लिया, और ये है हमारे पास बजट लाइन ए बी, ए वन बी वन और ए टू बी टू। तो मेरे पास ये तीन बजट लाइन आ गई हैं। अब हमने यहां पर, ये हमारा इक्विलिब्रियम पॉइंट है, इस इक्विलिब्रियम पॉइंट पर, इक्विलिब्रियम पॉइंट ई वन है, डिमांड क्या है, ओ एक्स वन, ओ एक्स वन, ठीक है, ये इंडिफरेंस का आई सी वन, ये इक्विलिब्रियम पॉइंट ई वन। फिर क्या हुआ, इनकम बढ़ गई, इनकम बढ़ी तो शुरुआत में क्या करेंगे कंज्यूमर, इस कमोडिटी की डिमांड को कुछ हद तक कम करेंगे, एकदम से कम नहीं करेंगे, कुछ कम करेंगे, और कुछ पैसा इसमें से विड्रॉ करेंगे ताकि वो सुपीरियर गुड्स की तरफ जा सके। तो डिमांड जो है पहले तो बढ़ेगी, थोड़ी बढ़ेगी लेकिन पहले बढ़ेगी। तो ये बढ़ गई डिमांड ओ एक्स टू। फिर क्या हुआ, फिर इनकम और बढ़ गई, तो डिमांड बढ़ी है लेकिन अब मामूली सी बढ़ी है, और देखेंगे तो ये बढ़ी तो है लेकिन पहले के मुकाबले और कम बढ़ी है, ये हो गया ओ एक्स थ्री। अब
जब इनकम और बढ़ गई, ये एक और बजट लाइन हमने खींचा है पैरेलल टू द न्यू बजट लाइन AB2। ये मेरे पास बजट लाइन है A3B3, और ये और भी हायर इंडिफरेंस कर्व से जाकर टेंजेंट हो गया। लेकिन अगर आप गौर से देखें, ये मैं रेड कलर से शो कर रहा हूं कि डिमांड जो है पीछे की तरफ चली गई है। ये मेरा X4। तो पहले डिमांड ये थी आपकी OX1, ये इक्विलिब्रियम पॉइंट था, ये दूसरा इक्विलिब्रियम पॉइंट है, ये तीसरा इक्विलिब्रियम पॉइंट है, ये चौथा इक्विलिब्रियम पॉइंट है। तो इन सभी इक्विलिब्रियम पॉइंट्स को मैंने ज्वाइन कर दिया, तो हमारा जो इनकम कंजम्पशन कर्व है वो बैकवर्ड बेंडिंग हो गया। अब हम इस इनकम कंजम्पशन कर्व की मदद से बनाएंगे अपना एंजल कर्व, इनकम डिमांड कर्व। तो हम इसकी लेबलिंग पूरी कर देते हैं। ये हो गया E2 और इंडिफरेंस कर्व IC2, ये हो गया E3 और ये हो गया IC3, और ये हो गया E4 और ये हो गया IC4। सिंपल है ना, कितना आसान है ड्राइंग को बनाना, इस डायग्राम को बनाना। अब आ जाइए, हम बनाएंगे इसकी मदद से अपना एंजल कर्व। तो एंजल कर्व, ये आपकी इनकम के लेवल्स है, ये है आपकी इनकम OA1, फिर OA2, फिर OA3 और ये OA4। हमने फोर लेवल्स ऑफ इनकम को यहाँ पर शो करा है। तो ये है OA, अच्छा यहाँ पे थोड़ा सा आपको चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि हमने ऊपर जो है इनकम OA1, 2 और 3 लिया है। तो ये हो गया आपका OA1, 2 और 3, ठीक है। अच्छा, डिमांड को आप ड्रॉ कर लीजिए। तो ये आपकी डिमांड है OX1, फिर आपका OX2 और आपका OX3, और आप रेड कलर से ही आप इसको ड्रॉ कर लीजिए OX4। कलर का डिफरेंस आपको साफ दर्शाएगा कि आप पीछे की तरफ जा रहे हैं। तो पहला हमारा इक्विलिब्रियम पॉइंट था E1, तो जब इनकम थी OA, डिमांड कितनी थी OX1, तो ये है पॉइंट R, ठीक है। फिर जब इनकम बढ़ गई, OA1 हो गई, तो डिमांड कितनी हो गई OX2 हो गई, डिमांड पहले बढ़ेगी, ये हो गया आपका इक्विलिब्रियम पॉइंट कॉम्बिनेशन S shown by this equilibrium point E2। फिर जब इनकम बढ़ी, डिमांड बढ़ी है लेकिन पहले के मुकाबले कम बढ़ी है, तो ये हो गया आपका कॉम्बिनेशन T ऑफ इनकम एंड डिमांड। फिर इनकम और बढ़ी, डिमांड कम हो गई, ये है पॉइंट आपका V, ठीक है। तो मैंने RST U को ज्वाइन कर दिया, सो वी गेट द बैकवर्ड बेंडिंग एंजल कर्व, ठीक है, सिंपल। थैंक यू फॉर वॉचिंग इट फुल, थैंक यू फॉर गिविंग मी योर वैल्यूएबल टाइम। मैं इसी तरीके से नई वीडियोज आपके लिए लाता रहूंगा और आपको प्रोत्साहित करता रहूंगा। बाय बाय, टेक केयर ऑफ योर सेल्फ, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और इसी तरीके से जोक क्रैक करते रहिए। बाय बाय, टेक केयर ऑफ योर सेल्फ।